भारत एक दिन हिंदू राष्ट्र बनेगा और परिवर्तित मुसलमान बनाए जाएंगे हिंदू, ये कहना है बलिया के द्वाबा विधानसभा के भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह का। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में बलिया के बापू भवन में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान मीडिया से मुखातिब भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह ने दावा किया कि भारत एक दिन हिंदू राष्ट्र बनेगा। ऐसे में जब पत्रकारों ने पूछा कि मुसलमानों की देश में क्या स्थिति होगी, तो भाजपा विधायक ने कहा कि देश का मुसलमान तो परिवर्तित मुसलमान है, जिसे हिंदू राष्ट्र बनते ही हिंदू बना दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी कितना सुस्ती है मैं नहीं जानता, लेकिन दीनदयाल पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की तपस्या यदि सत्य है, डॉक्टर हेडगेवार की तपस्या यदि सार्थक होगी और ईश्वर की सत्ता सत्य है कि त्याग करने वाले का ध्वज भाग भगवान बनता है, तो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा और बन करके रहेगा, उसके साक्षी हम लोग बनेंगे। तो मुसलमानों की क्या स्थिति रहेगी देश में? मुसलमान परिवर्तित हिंदू है, वो भी उनको हम गले लगा करके फिर हिंदू बनाएंगे। कार्यक्रम में मौजूद कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मोदी और योगी सरकार की नीतियों और उद्देश्यों पर बोलते हुए कहा कि उनका उद्देश्य सत्ता नहीं बल्कि देश में सभ्यता और संस्कृति के साथ देश को विकास के पथ पर ले जाना है। जब पार्टी में दल बदल और शिवपाल के संदर्भ में पूछा गया तो मंत्री कैमरे से भागते और हाथ जोड़ते नजर आए। मान्यवर, हमेशा दो संस्कृतियाँ विश्व की धरातल पर रही हैं। जब राम थे उस समय भी रावण था, तो भारत माता की जय बोलने वाले भी हैं लोग, तो भारत माता के खिलाफ भी बोलने वाले लोग रहेंगे ही रहेंगे। जी, तो भारत माता की जो जय नहीं बोल रहे हैं वो रावण प्रवृत्ति के है क्या? बिल्कुल है, वही है। जिस भूमि का अन्न खाने वाला व्यक्ति, जिस भूमि का जल पीने वाला व्यक्ति और भारत माँ को मानव कहे, इसका मतलब कि वास्तव में इंसान नहीं हो सकता, वो शैतान ही हो सकता है। मेरा स्पष्ट कहना है, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे सपा का हो, चाहे बसपा का हो, भारत भूमि को माँ मानने से इनकार करने वाला व्यक्ति इंसान हो ही नहीं सकता है, वो शैतान हो सकता है। ऐसा है, यदि शिवपाल जी जैसे लोग यदि बीजेपी में आते हैं तो भ्रष्टाचार का जो है वास्तव में जनक, भ्रष्टाचार का जनक वो पर्दा देना होता है। तो आप जैसे ऐसे लोगों को बिल्कुल जो है भारतीय जनता पार्टी जिस संस्कृति और आचरण के आधार पर चलती है और भ्रष्ट लोगों को यदि बड़ा किया जाएगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पार्टी की दुर्बलता से। लेकिन जिस तरीके साइन करा करके अपने अनुरूप बना सकते हैं, लेकिन जो संगठन का मुखिया होगा उसको अपने सानिध्य में लेकर के उसको संस्कारित कर देना इतना आसान काम नहीं। भ्रष्टाचारी का जो जनक है जिसको आप कहते हैं उसको आप अपने ही अपना सकते हैं, तो छोटे छोटे जनक हैं उनको आप बदल सकते हैं, बदल लेंगे, संस्कार के भ्रष्टाचारियों को बदल देंगे, बदल देंगे उनको और बाध्य कर देंगे छोटे भ्रष्टाचारियों को। भाई, ककड़ी का चोर जो है उसकी आदत छुड़ाई जा सकती है, लेकिन बैंक की डकैती करने वाले का कट्टा हम नहीं छुड़ा सकते।